सीतापुर में रेप में असफल होने पर दरिंदे ने विवाहित की धारदार हथियार से गर्दन काट डाली। विवाहित को घायल अवस्था में खेत में छोड़कर फरार हो गया। विवाहित चारा लेने खेत पर गई थी। पहले से घात लगाकर बैठे ज्ञानेंद्र ने विवाहित को अकेला देख उसके साथ रेप का प्रयास किया। विरोध करने पर ज्ञानेंद्र ने विवाहित की गर्दन पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे विवाहित घायल होकर खेत में ही गिर गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। घर वालों को तलाश के बाद विवाहित घायल अवस्था में खेत में मिली, उसे CHC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीतापुर से रामसागर पाल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। भाई ये हाथ से कटेगा नहीं, धारदार हथियार से ही कटी है। जी जी, कैसे क्या मारा बताइए। बोलो बोलो बिटिया, बताओ चाचा, बताओ क्या बोल रहा है। यहाँ पे और ये दोनों हाथों पे ये रोक रहे थे यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे लगे भाई। धारदार हथियार से मारा गया, देखिए ऐसे नहीं कर सकता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें अगर इंसाइज लिखना चाहो धारदार तो वो यहाँ पे इस लेवल से नहीं। बोलिए और नहीं कुछ और बताइए। प्रधान लोग क्या कह रहे थे, ग्राम प्रधान सब लोग पहुँचे, हमारे गांव के जितने व्यक्ति हैं वो सब पहुँचे, तो हमारे पक्ष में थे कि हम साथ में तुम्हारे। उसके बाद में आधे लोग बदलने लगे कि सुलह कर दो, ये कर दो, हम इलाज करवा। हमने कहा कुछ नहीं, हम FIR करेंगे। आज के हमारे साथ हुआ, कल अगर हमारी बहन गई हमारे खेत को, कल उसके साथ भी हो सकता है। अगर आज हमारी बीवी एक्सपायर हो जाती तो हमें जेल हो जाती, हमको हमारे बाप को दोनों को सर कोई नहीं छोड़ता। ससुराल वाले हमारे तुरंत हमारे ऊपर हत्यारे के बंद करवा दिए, तो थाना डलिया मार दिया। ये कहते थाना डलिया हाँ मीर। और किसी का वो नाम नहीं ले रहे, ज्ञानेंद्र यादव। आपकी बात में क्या बताए, आप बताइए। कि हम घास काटने गए थे और ये पीछे से आके हमें खींचा, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, दोबारा गए खींच कर इसको बजरे में ले जा। तब ये क्या किया, उन्होंने हसिया छीन कर उसका गला काट दिया। घींच पूरे तीन जगह से घींच में लगा हुआ है, तब तिगारा ये काट दिया, पूरा बचने के संभावना में नहीं था। वो अपनी जान जिंदा नहीं छोड़ा था कि ये घर पहुंच जाएगी। तब दे घर आ गए तो पांडे के यहाँ उनकी वो हो रही थी, गला कटा था। हाँ सर, पूरा तीन जगह कटा, ये पूरा हाथ इनका इच्छा था, होश ले पूरा इनको होश नहीं था।